अरे आज तो प्री वर्क का डब्बा मैं घर पे ही छोड़ दिया। सिट यार, आज मेरा वर्कआउट नहीं हो पाएगा। प्री वर्कआउट नहीं लिया मैंने। तो क्या आपको भी यही लगता है कि प्री वर्कआउट जो है वो एक मैंडेटरी सप्लीमेंट है फॉर योर वर्कआउट, और उसके बिना हम इफेक्टिवली वर्कआउट नहीं कर पाएंगे? तो आज हम डिस्कस करेंगे प्री वर्कआउट के बारे में डिटेल्स में। जहाँ पर हम आज कवर करेंगे क्या चीज़ें प्री वर्कआउट में रहती है एंड हाउ इट वर्क्स, कितना प्री वर्कआउट हमें लेना चाहिए, कौन सी टाइम आइडियल है इसे लेने के लिए, कितने समय तक हमें इसे लेना चाहिए, प्री वर्कआउट के साइड इफ़ेक्ट्स एंड फाइनल टेक अवे। कोई भी स्पेसिफिक चैप्टर को देखने के लिए मैंने वीडियो का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप पूरा देखें टू हैव कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्री वर्कआउट। आजकल प्री वर्कआउट काफी कॉमन हो गया है। ऑलमोस्ट ऑल द जिम गोअर्स जो थोड़ा भी बहुत वेट लिफ्ट करते हैं ऑन द डेली बेसिस, दे हैव स्टार्टेड टेकिंग प्री वर्कआउट। ये इसलिए क्योंकि जो बड़े बड़े फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, जो बॉडी बिल्डर्स है, जो यूट्यूबर्स है, उन लोग इस प्रोडक्ट को काफी ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं। सो एज ए कॉमन पर्सन जो भी देखते हैं कि प्री वर्कआउट हेल्प्स अस इन इम्प्रूविंग आवर वर्कआउट परफॉर्मेंस, दे स्टार्टेड टेकिंग दिस प्रोडक्ट विदाउट हैविंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट दिस प्रोडक्ट। अब अगर एक प्री वर्कआउट के न्यूट्रिशन लेवल पे हम ध्यान दें तो यहाँ पर आप बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स देखेंगे जो कि पहली बार आप सुन रहे होंगे नाम उनका, और इनका वर्कआउट के एनहेंसमेंट से लेके कोई लेना देना नहीं है, बट कंपनी ऐसे फैंसी इंग्रेडिएंट्स जानबूझकर ऐड करते हैं ताकि वो आपको प्रीमियम वाला फील करवाएं। और नॉर्मली ये माइंडसेट रहता है कि जितना ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स उतना बेहतर सप्लीमेंट, टू रिप द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम वर्कआउट। मोस्टली प्री वर्कआउट में जो पाया जाता है वो है TMG, ट्राई मिथाइल ग्लाइसिन, जो कि हार्ट रेट आपकी बढ़ाती है, देयर बाई इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो टू अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। बेटा एलानिन, जो कि हमें फटीक को रिड्यूस करने में हेल्प करता है एंड एक्ट्स एज एन एसिड बफर इन आवर बॉडी, देयर बाई अलाउइंग अस टू डू वर्कआउट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन एट हायर इंटेंसिटी। कुछ में सिट्रलिन एंड आर्जिनिन भी होता है जो कि हमारे नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को इंक्रीज करते हैं, जिससे वैसोडाइलेशन होती है लीडिंग टू मसल्स पंप। यही नाइट्रेट बीट रूट जूस में भी पाया जाता है नेचुरली। और कुछ में क्रिएटिन्स भी इंक्लूड करते हैं। क्रिएटिन पे काफ़ी सारे रिसर्च किए गए हैं विच क्लेम्स दैट क्रिएटिन आपकी वर्कआउट परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करती है। क्रिएटिन पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है जिसके लिंक मैंने वीडियो के टॉप में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए। अब स्टडीज़ ये कहती है कि एबव इंग्रेडिएंट्स जो प्री वर्कआउट में दिए जाते हैं, डेफिनेटली आपको थोड़ा बहुत उससे हेल्प होता है टू इंक्रीज द वर्कआउट परफॉर्मेंस, बट उन्हें वर्कआउट से पहले से लेने से कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होता है, रादर देन टेकिंग इट ऑन डेली बेसिस। और ये सारे इंग्रेडिएंट्स को आप एक हेल्दी डाइट से आराम से रिप्लेस कर सकते हैं एक्सेप्ट क्रिएटिन। सो सिर्फ क्रिएटिन के लिए इतने सारे पैसा खर्च करना डजंट जस्टिफाई। बट इन सब इंग्रेडिएंट्स को छोड़कर सारे प्री वर्कआउट में कॉमन इंग्रेडिएंट डेफिनेटली होता है, क्योंकि इस इंग्रेडिएंट का बहुत ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट है हमारे बॉडी में ड्यूरिंग द वर्कआउट। दैट इज नन अदर बट कैफीन, जो कि एक पावरफुल स्टिमुलेंट है जिससे हमारी बॉडी की अलर्टनेस, हार्ट रेट, एरोबिक कैपेसिटी, पावर आउटपुट बढ़ जाती है, देयर बाई इम्प्रूविंग आवर वर्कआउट परफॉर्मेंस। सो जबकि कैफीन इज़ द रियल मैजिक कंपोनेंट ऑफ ऑल आवर प्री वर्कआउट्स, सो इसीलिए हम पूरे वीडियो में इसके बारे में मोस्टली डिस्कस करेंगे। कितनी अमाउंट ऑफ प्री वर्कआउट हमें लेनी चाहिए ये दो चीज़ों पे मेनली डिपेंड करती है। पहला है अपना करेंट कैफीन इंटेक और दूसरा है करेंट बॉडी वेट। मोस्टली रिसर्च ये कहती है 2.5 से लेकर 3 mg/kg ऑफ बॉडी वेट से लेकर 6 mg/kg ऑफ बॉडी वेट एक सेफ रेंज माना जाता है फॉर हेल्दी एडल्ट। सो इफ़ यू कंसिडर ए हेल्दी मेल जिसका वेट है 70 kg, उसके लिए 200 mg से लेकर 400 mg ऑफ कैफीन होता है। और ऐसे देखा जाए तो 400 mg काफ़ी ज़्यादा होता है, विच इज़ मोस्टली इक्वल टू 4 कप्स ऑफ कॉफ़ी या 5 रेड बुल। अगर आपकी करेंट कैफीन इंटेक पहले से ही ज़्यादा है, देन आपको प्री वर्कआउट की क्वांटिटी थोड़ी बहुत इंक्रीज करनी पड़ेगी टू गेट द बेनिफिट ड्यूरिंग द वर्कआउट। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि आपकी रेगुलर कैफीन इंटेक कितनी है। आप इस पिक्चर की मदद से आप अपनी रेगुलर कैफीन इंटेक काउंट कर सकते हैं। मोस्टली एक स्कूप के प्री वर्कआउट में 200 मिलीग्राम का कैफीन रहता है, और अगर आपका फ्रॉम अदर सोर्सेस कंजप्शन नियर 200 मिलीग्राम से या उससे ज़्यादा है तो आपको एक स्कूप प्री वर्कआउट से थोड़ा बढ़ाकर लेना पड़ेगा टू गेट द बेनिफिट, बट नॉट मोर देन 400 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर डे, क्योंकि
इससे ज़्यादा अगर आप लेंगे कैफीन तो आपको कैफीन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स हो सकती है। अगर आपकी रेगुलर इंटेक 400 मिलीग्राम के आसपास है देन इट इज़ एडवाइजेबल टू कट डाउन योर रेगुलर इंटेक ऑफ कैफीन टू 100 मिलीग्राम फॉर फ्यू वीक्स एंड देन आप 3 मिलीग्राम पर डे ऑफ बॉडी वेट या 200 मिलीग्राम्स दैट इज़ मोस्टली ए स्कूप ऑफ प्री वर्कआउट से स्टार्ट कर सकते हैं टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम योर प्री वर्कआउट। कौन सी टाइम सही है प्री वर्कआउट को लेने के लिए? प्री वर्कआउट की टाइमिंग बहुत मैटर करती है क्योंकि अगर आप बहुत पहले इसे ले लेंगे तो इसका असर जो है आपका वर्कआउट करने के बीच में ही ख़त्म हो जाएगा, और बहुत लेट में लेते हैं जैसे कि वर्कआउट स्टार्ट करने के जस्ट पहले तो 3 या 4 एक्सरसाइज करने के बाद इसका इफेक्ट पता लगेगा आपको। सो 30 to 45 मिनट्स बिफोर योर वर्कआउट इज़ द आइडियल टाइम टू हैव योर प्री वर्कआउट। ये इसीलिए क्योंकि कैफीन को हमारे ब्लड में पीक लेवल तक जाने के लिए इतना टाइम लगता है। सो नेक्स्ट टाइम आप जिम की दरवाजे एंट्री करते समय प्री वर्कआउट ना लें, उससे थोड़ी पहले ले लें सो दैट इट विल बी हेल्पफुल ड्यूरिंग योर सेट्स। प्री वर्कआउट कभी भी आप एम्प्टी स्टमक ना लें। अगर आप प्री वर्कआउट एम्प्टी स्टमक लेते हैं जहाँ पर 200 से 300 मिलीग्राम का कैफीन होती है यू माइट फील लिटिल लाइट हेडेड एंड नॉसिएटेड। सो इसीलिए इट इज़ ऑलवेज एडवाइजेबल टू हैव प्री वर्कआउट आफ्टर हैविंग सम अमाउंट ऑफ स्मॉल मील्स जैसे कि फ्रूट्स या थोड़ा सा पोहा, बट अवॉइड हैविंग मील्स विथ फुल स्टमक। कितने टाइम तक आप प्री वर्कआउट को कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर आप काफ़ी टाइम से प्री वर्कआउट ले रहे हैं ऑलमोस्ट एवरी डे तो स्टडीज़ ये कहती है कि आपकी बॉडी टॉलरेंट हो जाती है टू द इफेक्ट्स ऑफ कैफीन, और जिससे आपको वो किक फैक्टर नहीं मिलता है ड्यूरिंग द वर्कआउट जो आपको पहले मिला करता था व्हेन यू हैव जस्ट स्टार्टेड टेकिंग योर प्री वर्कआउट। इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए आपको अपनी डोसेज की क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी, बट एक टाइम पे आप लिमिट ऑफ कंजप्शन रीच कर जाओगे दैट इज़ 400 मिलीग्राम्स ऑफ कैफीन पर डे अबव व्हिच इज़ नॉट एडवाइजेबल। इसलिए आपकी बॉडी जैसे कि कैफीन को टॉलरेंट ना हो एंड सेम टाइम आप प्री वर्कआउट का बेनिफिट भी ले पाएँ। सो प्री वर्क को तभी लें जिस दिन आपकी वर्कआउट इंटेंसिटी हाई हो। रिसर्च में ये देखा गया है कि प्री वर्कआउट इज़ मोर बेनिफिशियल ड्यूरिंग लोअर बॉडी ऑफ वर्कआउट रादर देन अपर बॉडी ऑफ वर्कआउट। ये इसीलिए क्योंकि लोअर बॉडी ऑफ वर्कआउट जनरली डिफ़िकल्ट होती है करने के लिए एज इट रिक्वेस्ट टू मच ऑफ एफर्ट टू परफॉर्म, और यहाँ पर प्री वर्कआउट आपको वो एक्स्ट्रा बूस्ट देता है टू परफॉर्म दैट एक्स्ट्रा सेट बाय डिलेइंग योर मसल्स फटीग। सो इसीलिए हैव इट व्हेन इट इज़ एब्सोल्युटली रिक्वायर्ड, एल्स आपका बॉडी बहुत जल्दी टॉलरेंट हो जाएगा। प्री वर्कआउट के साइड इफेक्ट, एज प्री वर्कआउट में जो मेन इंग्रेडिएंट होता है वो है कैफीन। सो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट ऑफ कैफीन कंजप्शन। कैफीन की कंसेंट्रेशन हमारे ब्लड में घटने के लिए 3 से 5 घंटे तक लगते हैं, इसलिए इट इज़ एडवाइजेबल टू अवॉइड हैविंग प्री वर्कआउट 5 से 6 घंटा बिफोर योर स्लीप। रिसर्च में भी ये देखा गया है कि अगर कैफीन की इंटेक 3 या 6 घंटे बिफोर द स्लीप लिया जाता है देन स्लीप टाइम इज रिड्यूस बाई 63 मिनट्स एंड 41 मिनट्स रेस्पेक्टिवली। मोर ओवर स्लीप क्वालिटी भी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता है दोनों में। ये देखा गया है कि इफ़ यू कंज्यूम कैफीन मोर देन द रिकमेंडेड अमाउंट दैट इज 400 मिलीग्राम्स पर डे देन देर इज ए हाई चांसेस ऑफ नॉसिया, रेस्टलेसनेस, एंजाइटी, हर्ट बर्न, इरेगुलर हर्ट बीट, एसिडिटी एंड स्टमक अपसेट। जब तक आप इसकी कंजप्शन रिकमेंडेड लिमिट के अंदर लेते हैं तब तक आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। एज ऑलवेज मॉडरेशन इज द की। तो सवाल अभी ये है कि क्या प्री वर्कआउट एब्सोल्युटली नेसेसरी है फॉर अ वर्कआउट? आंसर है बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मैं भी कभी नहीं लेता हूँ प्री वर्कआउट फॉर द वर्कआउट। बेसिकली प्री वर्कआउट में जो मेन इन्ग्रीडियंट कैफीन होता है 200 मिलीग्राम का, उसको आप 2 कप स्ट्रॉन्ग ब्लैक कॉफी के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, और अगर आप एक हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हैं देन इट इज़ एनफ टू सब्स्टिट्यूट द बेनिफिट्स ऑफ ऑल अदर इन्ग्रीडियंट्स जो एक प्री वर्कआउट में होती है। बट फिर भी अगर आप प्री वर्कआउट लेना ही चाहते हैं, खरीदते समय आपको ध्यान में रखना है कि इन्ग्रीडियंट्स की लिस्ट छोटी होनी चाहिए जहाँ पर कैफीन, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट, बेटा एलेलिन, सिट्रुलिन मैलेट की क्वान्टिटी क्लियरली लिखी हो। ऑलवेज अवॉइड प्री वर्कआउट जहाँ पर सारे इन्ग्रीडियंट्स की क्वान्टिटी मैंसन नहीं होती है एंड इट इज़ एडेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोप्रिएटरी ब्लेंड, क्योंकि आपको पता ही नहीं कंपनी ने कितना अमाउंट ऐड की है जिससे आपको कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। मोस्टली कंपनी चीप फिलर्स बहुत ज़्यादा ऐड कर देती है इन दिस ब्लेंड। तो ये थी मेरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑन प्री वर्कआउट सप्लीमेंट। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।
अगर आपको कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग योर फिटनेस जर्नी, देन आप मुझे इंस्टा पे भी DM करके पूछ सकते हैं एंड मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं फॉर अदर फिटनेस रिलेटेड कंटेंट एंड मोटिवेशन। ऐसे और फिटनेस रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। मिलते हैं जल्दी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन, ईट क्लीन एंड स्टे स्ट्रॉन्ग।